गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारे पाठ 12 कालीन का कारीगर का अंतिम पाठ पढ़ेंगे। अब तक हमने प्रस्तुत पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार श्रीमती मेहरा और श्रीमान मेहरा जी विक्की और उसकी बहन के साथ अजीज के बात को सत्यता को जानने के लिए कारखाने में पहुंच जाते हैं। वहां वह किसी प्रकार बहाना बनाकर उस स्थान पर भी चले जाते हैं जहाँ पर बच्चे कालीन बना रहे होते हैं और वहाँ अजीज से मिलते हैं। उससे उसने जो विक्की को बात बताई उसकी सत्यता की जांच करते हुए उससे सारी घटनाक्रम पूछते हैं। अजीज उन्हें अपनी 4 साल में हुए अपने ऊपर अत्याचार, बालिक के द्वारा भूखा रखना, माँ बाप से नहीं मिलना, माता पिता से नहीं मिलने देना आदि बातों को बताता है। इस प्रकार अजीज की बातों को सुनकर श्रीमती मेहरा जी भी उनके पास आ जाती हैं और उनसे पूछती हैं, क्या यही अजीज हैं? और इस तरह वह अजीज से मिलती हैं। श्रीमती मेहरा ने बताया, मेहरा जी ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। श्रीमती मेहरा ने उन्हें अजीज की दास्तान सुनाई। क्या हम उसे अपने घर ले जा सकते हैं? दिव्या ने पूछा। अर्थात विक्की की बहन ने अपने माता पिता से कहा, क्या हम अजीज को यहाँ से अपने घर ले जा सकते हैं? क्योंकि दोनों भाई बहन ने, वो भी उसकी उम्र के थे, अजीज की उम्र के थे, तो उसके दर्द को समझ सकते थे कि किस प्रकार अजीज इतना दुखी है और इतने काम करते हुए उसके हाथों में घाव लग गए हैं। माता पिता से उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसे खेलने नहीं दिया जाता है, उसको विद्यालय नहीं जाने देना दिया जाता है आदि बातों को देख करके दिव्या ने उनसे प्रश्न पूछा, क्या हम उसे अपने घर ले जा सकते हैं? क्यों? ताकि वह वहाँ पर उन सभी स्वतंत्र क्रियाओं को कर सके जिन्हें उसका मालिक यहाँ नहीं करने देता है, या उसे अपने माँ बाप से मिलाया जा सके। तभी नहीं, अभी नहीं, उसके पिता बोले, ऐसा लगता है ये आदमी इन बच्चों से गैर कानूनी ढंग से काम करवा रहा है। अर्थात कानून के अंतर्गत काम नहीं करवा कर कानून को तोड़ते हुए इनसे काम करवा रहा है, इन्हें कानून की स्वीकृति नहीं मिली हुई है। अगर हम अभी कुछ करेंगे तो उसे शक हो जाएगा, वो और इन बच्चों को कहीं छिपा देगा। अर्थात अगर वे जल्दबाजी में कुछ कदम उठाते हैं, अजीज को ले जाने की बात करते हैं, तो कारखाने के मालिक को शक हो जाएगा और वह उन बच्चों को छिपा देगा ताकि जब पुलिस वहां पर आए या तो उसे कोई सबूत ना मिले, उसे वो बच्चे ही ना मिले और वह श्रीमती मेहरा और श्रीमान मेहरा जी को झूठा साबित कर सकता है। इसलिए हो सकता है इनकी पिटाई भी करे, अर्थात उसे पता लग जाए कि इन्हीं बालकों में से किसी ने उसे बताया है, उनको इस घटना के फैक्ट्री के बारे में बताया है, तो हो सकता है इन सभी बच्चों की पिटाई भी करें। हम वापस जाकर अधिकारियों से बात करेंगे, सिर्फ अजीज को ही नहीं बल्कि सारे बच्चों को मदद की ज़रूरत है। अर्थात हम जाएंगे और श्रम विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे, उन्हें अजीज ही नहीं उन सब बच्चों की फिक्र थी मेहरा जी को, इसलिए वह कह रहे थे कि हम अजीज नहीं बाकी सभी बच्चों को भी मदद की ज़रूरत है, इसलिए हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। मेहरा जी अजीज की तरफ मुड़े और प्यार से बोले, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें जल्दी यहाँ से ले जाऊँगा। अर्थात मेहरा जी ने अजीज की तरफ मुड़ते हुए प्यार से बोला और उसे प्रॉमिस किया, वादा किया कि मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से ले जाऊँगा, तुम धैर्य रखो, तसल्ली रखो, इस बारे में किसी को भी मत बताना। क्यों मत बताना? अगर वह किसी को बता देता है तो वह मालिक सावधान हो जाएगा और मेहरा जी फिर बच्चों की मदद नहीं कर सकते। अजीज ने सिर हिलाया, तभी मालिक वापस आ गया। जब उसने इन लोगों को अजीज से बातें कर देखा तो उसे कुछ संदेह हुआ। क्या आप उसे जानते हैं? उसने पूछा। अर्थात जब उन्होंने सभी को अजीज के पास खड़े हुए बातें करते हुए देखा तो मालिक को संदेह हो जाता है, शक हो जाता है, इसलिए वह पूछता है, क्या आप इस बालक को जानते हैं? नहीं, मेहरा जी बोले। जिस कालीन को ये बना रहा है वह हमें अच्छा लगा। हाँ हाँ, अच्छा काम करता है, हालांकि थोड़े सपने देखता रहता है। अर्थात क्या कहता है मालिक कि हाँ बहुत अच्छा काम करता है लेकिन सपने देखता रहता है। सपने कौन से? यहाँ से आज़ाद होने के। हो सकता है वह किसी बालक से कहता हो कि मैं किसी दिन यहाँ से भाग जाऊँगा या कोई मेरी मदद करने यहाँ पर आएगा, इस प्रकार की वह अपने मित्रों से बातें करता हो और कोई मित्र मालिक को यह बात बता देता हो, इसलिए वह कह रहा है कि सपने ज़्यादा देखता है। धन्यवाद मालिक, मलिक जी, आज हमें आपके कारखाने के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला।
मेहरा जी ने अपने मन की भावनाओं को छिपाते हुए कहा। कौन सी भावनाओं को छिपाते हुए कहा? उनके मन में भावनाएं थी कि इन सब बच्चों को यहाँ से लेकर जाएंगे अधिकारियों के साथ मिलकर। उन्होंने उस भावना को छिपाया और बाहरी दिखावटीपन से कहा कि हमें आपका कारखाना बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलना हमें बड़ा ही अच्छा लगा। मैडम को जो कालीन पसंद आया था उसके बारे में क्या विचार हैं? उस मलिक ने उत्सुकता से पूछा। अर्थात जब उन्होंने लाल रंग का एक कालीन पसंद आया था तब मलिक उसके बारे में पूछता है क्या आप उस कालीन को खरीदेंगे या नहीं। असल में हमें वह ज़्यादा अच्छा लगा जो वह बच्चा बना रहा था। अर्थात उन्होंने एक बहाना बनाया कालीन खरीदने का कि वह जो अजीज जिस कालीन को बना रहा था हम उसे ही लेना चाहते हैं, वह हमें ज़्यादा अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि आप उसे हमारे लिए रख लीजिएगा। मेहरा जी ने जवाब दिया। जरूर जरूर, मलिक प्रसन्नतापूर्वक बोला, एक सप्ताह में तैयार हो जाएगा। वापस आते समय रास्ते में विक्की ने पूछा उनकी मदद के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि विक्की में बड़ी उत्सुकता थी कि पापा इनकी मदद कैसे करेंगे। तो वह अपने माता पिता से पूछता है कि आप उनकी मदद कैसे करेंगे, हम तो वहाँ से आ चुके हैं वापस जा भी नहीं सकते हैं, तो आप उनकी मदद कैसे करेंगे। मैं श्रम आयुक्त को सूचना दूंगा, वही जरूरी कदम उठाएंगे, उनके पिता बोले। श्रम आयुक्त जिले का अधिकारी होता है, हर जिले में एक श्रम आयुक्त होता है, वह उस जिले में जितने भी गैरकानूनी ढंग से छोटे नाबालिग बालिकाएं काम कर रहे होते हैं उन पर उन काम करवाने वालों पर कठोर कार्रवाई करते हैं। तो वे कहते हैं मैं श्रम आयुक्त को सूचना दूंगा और वे ही इसके लिए जरूरी कदम उठाएंगे, कानून के अंतर्गत जो भी होगा वे हमारी मदद करेंगे। घर पर भी बच्चे अजीज के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाए कि छोटे थे, बाल मन था, उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। बालकों में दया भाव बहुत ज़्यादा होता है, जब वह किसी को दुखी देखते हैं, जब वह किसी को पीड़ित देखते हैं और उस घटना को वह बहुत कम भूल पाते हैं, अर्थात भूल ही नहीं पाते हैं बहुत दिनों तक। तो विक्की भी बार बार अजीज के बारे में सोच रहा था, पता नहीं उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, वह कब आज़ाद होगा। हर रोज़ वे उसके बारे में बातें करते थे। अंततः एक दिन सुबह उनके पिता ने अखबार राष्ट्रपूत के पहले पन्ने पर छपी लंबी खबर दिखाई। अर्थात एक दिन उनके पिता ने राष्ट्रपूत अखबार में एक खबर छपी, वह खबर क्या थी? उसमें लिखा था स्थानीय कालीन कारखाने पर छापा, 20 बच्चे मुक्त, अर्थात आज़ाद करा दिए गए। किसने आज़ाद कराए? मेहरा जी ने श्रम आयुक्त को सूचना दी। श्रम आयुक्त या हम किसी भी अधिकारी को कोई सूचना देते हैं पहले वे अधिकारी भी उस घटना की उस सत्यता की जांच करते हैं, उसके बाद वे कदम उठाते हैं। इसलिए उन्हें थोड़े दिन लगे परंतु अंत में उन बालकों को मुक्त करा दिया गया। कर्गो पर काम कर रहे बच्चों को फोटो भी था। विक्की और दिव्या उत्सुकता से बच्चों के चेहरे पहचानने लगी, क्योंकि वह क्या ढूंढ रहे थे? वह उसमें अजीज को ढूंढ रहे थे कि अजीज आज़ाद हुआ या नहीं। इसमें अजीज कहाँ है? दिव्या पूछने लगी। ये रहा, माँ ने जवाब दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, विक्की ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर अजीज एक ग्रामीण युगल बोलते हैं जोड़े को, ग्रामीण जोड़े के साथ खड़ा हुआ था। अर्थात अजीज उन्हें भूला नहीं था, अजीज को पता था कि वह आज़ाद किसके कारण से हुआ है। तो वह मेहरा जी का घर ढूंढते ढूंढते उनके घर पर आ जाता है। किसके साथ? मेरे अब्बा और अम्मी से मिलिए, अर्थात अपने माता और पिता के साथ, अब्बा यानि पिता, अम्मी यानि माता के साथ, अजीज बोला। ये मुझे घर ले जाने आए हैं। मलिक को आदेश मिला है कि वह हम बच्चों के बजाय हमारे माता पिता को नौकरी दे। अर्थात मलिक को क्या आदेश मिला? अगर आपको अपने कारखाने में काम करवाना है तो छोटे बच्चों से न करवा कर इनके माता पिता को काम दीजिए, ताकि वो गैरकानूनी नहीं होगा और जिससे बच्चों का खर्चा भी वो उठा सकते हैं, उन्हें रोज़गार भी मिलेगा और छोटे बच्चे विद्यालय भी जा सकते हैं। वह हम अपने बच्चों के बजाय हमारे माता पिता को नौकरी दे, वह भी पूरी तनख्वाह पर। वो बच्चों को तो आधी तनख्वाह देता था, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। लोग छोटे बच्चों से काम क्यों करवाते हैं? क्योंकि उन्हें आधी मजदूरी में पूरे दिन काम करने वाले मजदूर मिल जाते हैं।
अगर वो बड़े को नौकरी पर रखेंगे तो उन्हें पूरी तनख्वाह देने पड़ेगी। इसलिए कुछ पैसे बचाने के लिए लालच में वह बच्चों के भविष्य को खराब कर देते हैं। बच्चों तुम्हारा शुक्रिया, अजीज की माँ ने कहा, क्योंकि उस माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए अपने पुत्र अजीज से मिलकर। तो उनकी माँ ने उन्हें धन्यवाद दिया, शुक्रिया कहा। नहीं, दिव्या बोल उठी, शुक्रिया तो अजीज की हिम्मत को दिया जाना चाहिए। अगर अजीज हिम्मत नहीं करता तो वे लोग कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें भी हमारे आसपास होने वाले ऐसे बाल श्रम के प्रति आवाज़ उठाना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, अपने माता पिता के सहयोग से जितना हो सके उन बालकों की मदद करना चाहिए। धन्यवाद।